पिया, मुझे उनका आना बुरा नहीं लगा, लेकिन जिस हकारत से वो हमारे इस घर को देख रहे थे ना, तुम्हें पैसे देके मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज भी उनका वही एटीट्यूड था। तुम्हारी अम्मी आई थी, उन्होंने मुझे कितना बुरा भला कहा, फोन पे क्या कुछ नहीं कहा, मुझे भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैंने उनसे बदतमीजी नहीं की, मैंने बर्दाश्त किया। फरहाद घर आया? आया था, बस कुछ देर के लिए आता है फिर चला जाता है वापस। फरिया, ये तो बहुत गलत बात है, इसका मतलब तुम रात रात भर अकेली हो इतने दिन से। वैसे फरहाद ने भी हद कर दी है गैर जिम्मेदारी की, माना उसकी फैमिली को इस वक्त बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसकी तुम्हारी तरफ भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। पुप्पो, वो भी बेचारा क्या कर सकता है, वो दो टुकड़ों में बट के रह गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दे। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ आ जाओ, फिर जब फरहाद आएगा तो तुम वापस चली जाना। आप लोग क्यों अचानक? ओ फरिया बेटा, बहुत बड़ा मसला हो गया है, हम बैठ के बात कर ले। आइए आइए ना, आइए। अभी बात ऐसी है कि तुम्हें ना बेटा मेरे ऊपर थोड़ा रहम कर दो। क्या मतलब? अभी तुम यहाँ सारी रात रहती हो अकेली, और ये जो तुम्हारी शगो पोपो है ना, ये तुम्हारे लिए पूरी रात रहती हैं परेशान, और हमारी नींदें होती हैं हराम। आप भी ना अहमद, मेरी तो जानी में खाती। पप्पा, खामखा आप लोगों को परेशानी होगी मेरी वजह से। तुम्हारे पप्पा ने ठीक बोला है, परेशानी होगी नहीं, परेशानी दो रोगी ने, तुम हमारे साथ चलो। चलिए ठीक है, मैं फरहाद से बात कर लेती हूँ। ठीक है फरहाद। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा। फरहाद, बहुत अफसोस हुआ आपके वालिद साहब का सुन के। बेटा, बाप का जाना तो जिंदगी भर का सदमा है। अभी हम तो ताजियत के लिए आने वाले थे, मगर कुछ मुनासिब मालूम नहीं हुआ तो फिर हम आए नहीं। नहीं, आप लोग का कह देने मेरे लिए बहुत है, प्लीज बैठिए। आज फरियत से आना हुआ? हाँ, वो अरे यहाँ बिल्कुल अकेले है ना, ऐसी जगह पे उसका यूं अकेले रहना है वेरी अनसेफ। हाँ नहीं, मैं बल्कि फ्रिया को कह रहा था कुछ दिन आप लोगों की तरफ रह ले। हम शी इज मोस्ट वेलकम, इसी वजह से है ना हम इसको लेने के लिए आए हैं। और फरहाद, वैसे भी अभी तुम्हारी फैमिली को ना तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल, अपनी फैमिली को टाइम दो बेटे, लेकिन फरिया का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, शी इज मैनेजिंग एवरीथिंग अलोन। आप लोगों को क्या लगता है, मैं फ्रिया का ख्याल नहीं रख सकता? नहीं नहीं फरहाद, उनका ये मतलब नहीं था। इसी तरह जानता हूँ मैं क्या मतलब था। बल्कि अच्छा हुआ आप लोग आज आ गए यहाँ। प्रिया, तुमने इनके पैसे वापस कर दिए थे? फरहाद प्लीज। क्या मतलब, तुमने अभी तक इनके पैसे वापस नहीं किए? ये प्रिया प्लीज इनके पैसे वापस करो मेरे सामने अभी। एक मिनट, ये कौन से पैसों की बात हो रही है? मतलब ये कौन सी बात? आपकी बेगम साहिबा जब पहली बार हमारे घर आई थी तो वो फ्रिया को पैसे देकर गई थी, क्योंकि उन्हें लगता है मैं अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख सकता। नहीं नहीं, ऐसी घटिया और अनसेफ जगह पे मैंने अपनी बीवी को रखा हुआ है, ऐसे है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो ये शगों ने है ना इस वजह से दिए होंगे तुम लोगों को पैसे, के थोड़ी आसानी हो जाए बस, और कोई बात नहीं। आउट ऑफ कंसर्न। हाँ ऐसा मतलब नहीं था उनका, वो गुस्से में ना रहे। नहीं नहीं, वो शायद आई थिंक कुछ थे। फरहाद फरहाद, ये लीजिए। अरे नीचे, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम अपना ख्याल रख सकते हैं, इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, वो शकों का ये मत। आप लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अरे बेटा, मैंने कोई बात नहीं।
हम ये अच्छा चलो फरिया बेटा तुम ठीक हो भी हमारे साथ चलना चाहोगी? चलो ना प्लीज। नहीं नहीं पप्पू मैं नहीं जा सकूंगी आपके साथ, मुझे फरहाद से कुछ बात कर। चलो ठीक है, मतलब जैसा तुम ठीक समझो। मेरे ख्याल से हमें अभी चलना चाहिए। तुम दोनों मियाँ बीवी आपस में बात कर लो, फिर जरूरत हो इरादा बने तो फिर हम दोबारा आ जाएंगे। हाँ Are you sure? जी जी ठीक चलिए ठीक है बस। Sorry बेटे। नहीं कोई बात नहीं। सॉरी मैंने कुछ पूछा भी नहीं आप लोगों से। ठीक है बेटा चलो अपना ख्याल रखो। हेलो फिर फोन करना। जी जी थैंक यू आप लोग आए, मैं करती हूँ आपको फोन। हाँ रुको, तुम आप कहाँ जा रहे हो इतना कुछ बोलने के बाद? जो बोलना है आप बोलो। जो कहना था मैंने कह दिया। फरहाद तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी फैमिली से इस तरह बात करने का। मेरे पप्पा और पप्पो की इंसल्ट की है तुमने। तुम्हारे फुफा कंठो को ना हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। हम आपको इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, फैमिली है, कंसर्न थे, दे वर जस्ट। तुम्हें इस तरह उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और उन्होंने जिस तरह मुझसे बात की वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया? यही कह रहे थे ना कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं रखना आता। तुम्हें तो कहा था कि मैं अकेली होती हूँ, मैं पप्पो के घर चली जाऊँ, तो अब वो मुझे लेने के लिए आए हैं, तो तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? फिया मुझे उनका आना बुरा नहीं लगा, लेकिन जिस हकारत से वो हमारे इस घर को देख रहे थे ना, तुम्हें पैसे देके मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज भी उनका वही एटीट्यूड था। तुम्हारी अम्मी आई थी, उन्होंने मुझे कितना बुरा भला कहा, फोन पे क्या कुछ नहीं कहा, मुझे भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैंने उनसे बदतमीजी नहीं की, मैंने बर्दाश्त किया। बर्दाश्त की बात मत करना मेरे साथ। मैंने तुम्हारी फैमिली की तरफ से क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया? मेरे अब्बा से बदतमीजी की, मेरी अम्मा से बदतमीजी की, मेरे भाई को मारा, अरे मुझ पे गोलियां चलाई तुम्हारे भाई ने, पूरी मेरी फैमिली को धक्के देके निकाला था तुम्हारी फैमिली ने, याद है? मैंने सब बर्दाश्त नहीं किया। तो तुम्हारी फैमिली ने क्या किया, हमें गले लगा लिया था? हाँ तो शुरू तुम लोगों ने किया था। हम लोग? पहले तुम मेरी फैमिली पर चले गए, अब तुम बिरादरी पर जा रहे हो। प्रिया तुम जानती मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं मैं नहीं जानती, मैं इस नए फरहाद को नहीं जानती और ना ही मैं जानना चाहती। और ये जो तुम्हारे फैले हुए कपड़े हैं ना, आइंदा मुझे ये दिखे तो मैं बालकनी से बाहर फेंकूंगी।